गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर फार्माकोलॉजी क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एंटी रूमेटॉइड्स। दिस इज़ आर लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर ऑटोकॉइड्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्चुअली एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के अलावा, हालांकि आपके ब्रोंकल एस्थमा के ड्रग्स भी हैं, पर ब्रोंकल एस्थमा के ड्रग्स मैंने आपको कॉलर्जिक और एंटी कॉलर्जिक वाला वो जो चैप्टर था वहाँ पढ़ा दिए, इसलिए उस टॉपिक अपन नहीं पढ़ेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप वहीं से उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो अपना आज का जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर काम में लेते हैं। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच वी सी द जॉइंट इन्फ्लामेशन नॉन सुपरेटिव प्रोलिफरेटिव साइनोवाइटिस। आप इसको जैसे प्रोनाउंस करना चाहें, मैं सपरेटिव प्रोनाउंस करती हूँ। एंड थर्ड वन इज़ आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, नॉन सपरेटिव पस फॉर्मेशन को कहते हैं, जिसमें पस फॉर्मेशन नहीं होता पर साइनोवाइटिस साइनोवल जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन होता है, प्रोलीफ्रेटिव मतलब वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आर्टिक्यूलर कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी ये जो जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। प्लस इसमें डिसेबलिंग आर्थराइटिस भी हो जाता है, जिसमें पेन होएगा, स्वेलिंग होएगी, अकड़ जाएंगे जो जॉइंट्स हैं वो, और जॉइंट्स का फंक्शन ख़त्म होने लग जाएगा। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस इसका देखने को मिलता है, प्रेवलेंस 1-2% केसेस के अंदर होता है ये, और उम्र बढ़ने के साथ 5% वुमेन जो 55 एज से ज़्यादा की उनके अंदर देखने को मिल रहा होता है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अगर हम मैकेनिज़म देखें, तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब इसमें इम्यूनिटी का रोल है, इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी का रोल होगा। कौन सी एंटीबॉडी का? आईजीएम एंटीबॉडी का रोल है। तो जब कोई एंटीजन आता है जो भी इसको कॉज करवा रहा है, उस एंटीजन के साथ में ये एंटीबॉडी आईजीएम मिलकर के इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाती है जो हमारे अंदर कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे अंदर चलता है, अगर आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा हो तो उस कॉम्प्लीमेंट को ये एक्टिवेट कर देगा, जिससे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 जैसे, और ये कीमोटैक्टिक करते हैं न्यूट्रोफिल को, मतलब न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन्फ्लामेटरी सेल से लाइसोजाइमल एंजाइम रिलीज होने लग जाता है, जिससे कि कार्टिलेज डैमेज होगा और बोन्स का इरोजन होने लग जाता है, बोन्स में घर्षण आ जाएगा, बोन्स के बीच का कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, जिससे आपकी बोन आराम से स्मूथली मूव कर रही होती है, जो जॉइंट्स आराम से हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सारा काम जो हो रहा है वो स्मूदनेस कार्टिलेज की वजह से होता है। ये कार्टिलेज ख़त्म हो जाए, अगर डैमेज हो जाए तो बोन्स में इरोजन हो जाता है, घर्षण हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो इनका रोल है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है जो कि वैसोडाइलेशन करता है और पेन कॉज करवा देता है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैकेनिज्म है। अब पेशेंट प्रेजेंटेशन क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? क्रॉनिक प्रोग्रेसिव क्रिपलिंग देखने को मिलती होती है, मतलब अनेबल टू मूव प्रॉपरली, ऐसे लोग अच्छे से चल फिर नहीं पाते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, आप आराम से देख सको। While waxing and waning course alternate increases and decreases with waxing and waning course, तो एक्चुअली क्रिपलिंग मूवमेंट इनके अंदर देखने को मिल रहा होता है। वैसे आप इतना सा ध्यान रखिए कि इनके अंदर क्रिपलिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा होगा। प्लस वो पेशेंट आपके पास शिकायत करेंगे कि भाई उनको पेन रहता है जॉइंट्स के अंदर, स्वेलिंग सूजन आ जाती है घुटनों वगैरह के अंदर, सुबह जब वो उठते हैं सोकर के तब तो एकदम हाथ पैर अकड़े हुए होते हैं, चलने फिरने से फिर भी थोड़ा ठीक है, सुबह तो एकदम अकड़े हुए होते हैं और इमोबिलिटी हो जाती है, तो वो हिल डुल भी नहीं पाते हैं। सिम्टम्स की 3 कैटेगरी बताई गई है, जनरल, आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। आई होप आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। जनरल, आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन अच्छी साफ सी है नहीं, इसलिए मैं आपको क्लियर बोल बोल के बता रही हूँ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं। जनरल के अंदर तो क्या हो जाता है, पेशेंट को अगर जनरल वो आपके पास लेकर के आ रहा है आ रही कंडीशन, तो कहेगी कि कहेगा कि उसको, या कहेगी क्योंकि महिलाएं मोस्टली आ रही होती हैं, कि थकावट रह रही है, मसल्स में पेन है, डिप्रेशन रहने लगता है, कभी कभार फीवर भी हो जाता है।
अगर आर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो वो कहेंगे परसिस्टेंट सिमेट्रिकल जॉइंट में स्वेलिंग है लंबे समय तक जो परसिस्ट कर चुकी है। सिमेट्रिकल जॉइंट्स यानी दोनों हाथों पैरों में, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में स्वेलिंग हो रही है लंबे समय तक। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर के अलावा वो बताते हैं आपको कि उनमें रिमेटॉइड नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं जो आर्म्स और एल्बोज की एक्सटेंसर सरफेस है उनके अंदर दिखाई दे रहा होता है। कभी कभार विसरल ऑर्गन्स के अंदर जैसे कि लंग्स और हार्ट के अंदर भी ये देखने को मिलता है। 70% पेशेंट्स के अंदर डिजीज़ जो है वो जनरल सिम्टम्स के साथ में शुरू होती है, जैसे कि वीकनेस रहने लगती है पर्सन को, भूख नहीं लगती है, वेग मसल एक रहने लगता है, थकावट रहने लगती है। तो ऐसे केस में नैसिड जो है वो फर्स्ट लाइन की ड्रग कहला रही होती है इस कंडीशन के अंदर। तो ये तो पेशेंट प्रिपरेशन है जिसमें अपन नैसिड्स दे सकते हैं। इसके अलावा जब ये लगातार आगे बढ़ रही होती है कंडीशन तो पेशेंट्स में आपको डिफॉर्मिटीज़, देखिए अंगुलियां वगैरह टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, हाथों पैरों की अंगुलियों में नोड्यूल से बन गए हैं, तो डिफॉर्मिटीज़ एडवांस केसेस में देखने को मिलती है जिसमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी, गर्दन ऐसे आगे तरफ झुक जाएगी, हाइपर एक्सटेंशन या फिर DIP फ्लेक्शन, एक तरफ झुक जाएगी, हाइपर एक्सटेंशन खिंच जाती है, झुक जाती है, मुड़ जाती है। दूसरा है बॉटूनियर डिफॉर्मिटी में भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन देखने मिलता है। जेड लाइक डिफॉर्मिटी, तो ये अलग अलग अंगुलियों वगैरह के अंदर उसकी अलग अलग वो दिखाई गई है, कंडीशन बताई गई हैं। जेड लाइक डिफॉर्मिटी, हैमर टो हो जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, कार्पल्स जो होते हैं वो इस तरह से अजीब से हो जाते हैं, तो वो कंडीशन बताई गई, जो डायग्राम में दिखाई गई है उन्हीं की फॉर्म्स हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है हमेशा नोड्यूल्स वगैरह में ही, नोड्यूल्स वगैरह ही बने, फिंगर्स वगैरह में और भी कुछ टेढ़े मेढ़े होने के अलावा भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन जिसको अपन कहते हैं, जैसे कि स्किन में रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन जाते हैं, वैस्कुलाइटिस, वेसल्स का इन्फ्लामेशन, स्प्लिंटर हैमरेज हो जाता है जिसकी वजह से आई में किरेटो कंजंक्टिवाइटिस साइका हो जाता है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा करके दूँ आप आराम से देख सकें। ओरल के अंदर मुंह सूखने लग जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, GIT के अंदर मिजेंट्रिक वैस्कुलाइटिस हो जाता है लीडिंग टू इंटेस्टाइनल इन्फार्क्शन, मिजेंट्रिक वैस्कुलाइटिस की वजह से इंटेस्टाइन में इन्फार्क्शन हो जाता है, ब्लीडिंग और परफोरेशन, यहाँ तक कि इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं, वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ये इसके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है। पल्मोनरी के अंदर प्लूरल इफ्यूजन, फ्लूड भर जाएगा लंग्स के अंदर, कार्डियक में आर्टरी की वॉल थिकन हो जाती है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक, रीनल में मेसेंजियल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, हिमेटोलॉजिकल के अंदर मेसेंजियल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में मैं आपको बता दूँ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी ऑटो एक्चुअली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा होता है, अपन पैथो में इस डिजीज को डिटेल में पढ़ेंगे। हीमेटोलॉजिकल में एनीमिया रहने लगता है, न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोफिल का नंबर कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है, या फिर हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोसिस दिखाई दे के प्लेटलेट का नंबर बढ़ जाए, इओसिनोफिलिया वगैरह, इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज हो जाता है लोगों को। अब इसके लिए ड्रग्स कौन कौन सी है, तो एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स देखिए, ड्रग्स जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को अगर आप छोड़ दो जो कि रूमेटॉइड प्रोसेस को सप्रेस कर देती है एंड ब्रिंग अबाउट अ रेमिशन बट नॉट हैव नॉन स्पेसिफिक एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जिसिक एक्शन, तो ऐसी ड्रग्स अपने को देनी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को छोड़ करके जो रूमेटॉइड प्रोसेस को सप्रेस करती हो, दोबारा होने नहीं दे रही हो, पर इनका कोई नॉन स्पेसिफिक एंटी इन्फ्लामेटरी या एनाल्जिसिक एक्शन ना हो, तो अपन नैसिड्स के साथ में ऐसे ड्रग्स को काम में ले सकते हैं, या फिर डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स आती है जिसको डेमराइड्स कहते हैं, ये स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स भी, या फिर अपन जिसको अपन SARDs कह सकते हैं वो भी अपन दे सकते हैं, इनका स्लो ऑनसेट होता है, रिलैप्स हो जाते हैं ये। इसके अलावा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स BRMs भी होते हैं जो अपन दे सकते हैं। अब मैंने कहा नैसिड्स इसमें दी जा सकती है क्योंकि फर्स्ट लाइन की ड्रग है,
तो नेसर्स जो है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है पेन स्वेलिंग में, जो सुबह अकड़न है उसके अंदर, और इमोबिलिटी को थोड़ा सा ठीक करती है, फंक्शन को प्रिजर्व करती है। पर इसका बोन के प्रोग्रेशन में बहुत कम इफेक्ट है, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब बीमारी जो है वो बढ़ेगी, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होगा, उस पर ये नेसर असर नहीं दिखाती है। अब आजकल ट्रीटमेंट के लिए अपने पास कौन से ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो हमने कहा डैमरेट्स अवेलेबल है, BRM और उनके एडजुवेंट अवेलेबल हैं। डैमरेट्स के अंदर इम्यूनो सप्रेसेंट्स ड्रग्स आ रही होती हैं, ये देखिए इम्यूनो सप्रेसेंट्स ड्रग्स के अंदर मीथोट्रिक्जेट, आप स्पेलिंग नोट कर लीजिए, जैसा मैं बोल रही हूँ थोड़े से वर्ड्स एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, मीथोट्रिक्जेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन ड्रग अपन दे सकते हैं, सल्फेनिलमाइड अपन दे सकते हैं, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इन दो ड्रग्स का नाम तो अभी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, है ना। कोरोना के अंदर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा थी, यहाँ तक कि अमेरिका हम लोगों से पैरास्टामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मांग रहा था। ये वही ड्रग्स हैं जो अपन गाउट में भी, सॉरी रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दे सकते हैं। इसके अलावा लेफ्लुनोमाइड ड्रग, गोल्ड सोडियम थायोमैलेट, ऑरेनोफेम, डी पेनिसिलामिन दे सकते हैं। BRM के अंदर ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर अल्फा इनहिबिटर में इटानेरेसेप्ट दे सकते हैं, इनफ्लिक्जीमैब दे सकते हैं, एडालिम्युमैब दे सकते हैं, इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट के रूप में एनाकाइनरा नाम की ड्रग आती है, सॉरी मैंने इसको इधर घुमाया ही नहीं, खुद से ही ड्रग बोले जा रही हूँ मैं, एनाकाइरा ड्रग जो है, एनाकिनरा, ये ड्रग, ये एनाकिनरा बताई हुई है, ये अपन दे सकते हैं एडजुवेंट के रूप में। इन ड्रग्स के साथ में अपन कॉर्टिको स्टीरॉयड, प्रिडनिसोलोन और दूसरे ड्रग्स भी अपन दे सकते हैं। तो ये ड्रग हैं। अब अपन ये ड्रग क्यों दे रहे होते हैं, हमारे ट्रीटमेंट का गोल क्या है? तो पहला गोल क्या है भाई हमारा, कि हम चाह रहे होते हैं पेन में आराम मिल जाए पर्सन को, स्वेलिंग और स्टिफनेस उसके जॉइंट्स में कम हो जाए, आर्टिकुलर सरफेस में प्रोटेक्शन मिल जाए कार्टिलेज डैमेज वगैरह से, फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट को कंट्रोल करने के लिए अपन ये ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अलावा मीथोट्रिक्जेट ड्रग अपन पहले पढ़ लें, सबसे पहले मीथोट्रिक्जेट, अपन ने जो दवाइयों का नाम लिए, सबसे पुरानी बहुत अच्छी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है, यानी कैंसर में दी जा रही होती है, ट्यूमर को रोकती है, एक्चुअली कैंसर तो नहीं बोले अपन, ट्यूमर को रोकती है, प्राइमरली ये किल कर रही होती है, किल सेल्स इन एस फेज, क्योंकि ये एंटी नियोप्लास्टिक मैंने कहा कैंसर में दे सकते हैं, तो कैंसर में होता क्या है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा होता है, क्योंकि सेल डिवीजन करने लग जाती है, माइटोसिस करने लग जाती है, तो ये जो मीथोट्रिक्जेट ड्रग है ये सेल को एस फेज में ही किल कर देती है और DNA सिंथेसिस को होने नहीं देती, RNA और प्रोटीन के सिंथेसिस को भी ये रोकती है, तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, सेल साइकिल नहीं चलेगी, तो फिर सेल डिवीजन वगैरह नहीं होगा। रिपीटेड डोज अगर इसको दे रहे होते हो तो बोन मैरो में टॉक्सिटी ये कॉज कर देती है, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाता है, हाई डोजेज में पेनसाइटोपिनिया, पेनसाइटोपिनिया सभी तरह के सेल्स का, ब्लड सेल्स का कम हो जाना, WBC सभी तरह कम हो जाती है इसके अंदर, डी स्क्वेमेशन हो जाता है, और GIT के अंदर GIT डी स्क्वेमेटेड हो जाती है, सेल है ना ये स्क्वेमस सेल उसकी, तो डी स्क्वेमेटेड हट जाती हैं वो सेल्स और GIT में ब्लीडिंग होने लग जाती है। बेसिकली ये डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है 50,000 गुना, ये इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करती है, पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी है ये। ये प्यूरिन के सिंथेसिस को रोकती है, अमाइनो एसिड के इंटरकन्वर्जन नहीं होने देती, लिम्फोसाइट और मैक्रोफाज के फंक्शन को ये रोकती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मीथोट्रिक्जेट का, इसे मीथोट्रिक्जेट में ओ गायब हो गया भाई, आप नोट कर लीजिए, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है तो उनको इग्नोर करिए और उसको ठीक कर लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी रूमेटिक इफेक्ट ये दिखाती है, क्योंकि ये इम्यून इन्फ्लामेटरी सेल्स में एपोप्टोसिस को तो स्टिम्युलेट करती है और उनके प्रोलीफरेशन को रोक देती है, मतलब इम्यून इन्फ्लामेटरी सेल्स
का नंबर बढ़ नहीं पाता और जो बनी हुई है वो मरनी स्टार्ट होती है एपोप्टोसिस, मतलब सेल डेथ, नेचुरल सेल डेथ। इसके अलावा प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन के प्रोडक्शन को ये रोकती है, कीमोटैक्सिस को रोकती है, CMI सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शंस को ये रोक रही होती हैं। काइनेटिक्स, ये ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है, 70% ये फूड के द्वारा इफेक्ट होती है। पढ़ पा रहे ना आप इसको? तो ठीक है, ये तो थोड़ी बहुत। इसके अलावा ये देखिए बाइंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन से, 50% बाइंड हो जाती है, लिटिल ये मेटाबोलाइज होती है और यूरिन में बिना चेंज हुए काफ़ी ज़्यादा ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है रिनल डिजीज़ वगैरह हो तो। ये एस्प्रिन और प्रोबनेसिड के साथ में इंटरैक्शन करती हैं। डोज 7.5 से 15 mg वीकली दे सकते हो या 15 से 30 mg आप पर डे इसकी दे सकते हो। 4 से 6 हफ्ते तक ये लेनी है फॉर ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्योंकि इतना समय तो इसको एक्शन शुरू करने में लग जाता है। इनिशियल ट्रीटमेंट में ये प्रेफर की जाती है, जैसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी को हुआ हो, एडल्ट स्टेज के अंदर, यंग एज के अंदर जब हो जाता है ये अपन देते हैं। इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये नोड्यूल लॉसेस कर देती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं, ओरल अल्सरेशन, मुंह में अल्सर बन जाएंगे, GI डिस्टर्ब हो जाएगा, लीवर में टॉक्सिटी होगी, मिकेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, बोन मैरो डिप्रेशन देखने को मिल रहा होता है। ल्यूकोवोरिन के इंजेक्शन अपन 24 घंटे में दे सकते हैं हर ईच डोज के बाद इसको ठीक करने के लिए। सिरोसिस कॉज कर देता है, लीवर का सिरोसिस होता है जिसे साथ में चेस्ट इन्फेक्शन और हो जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, लैक्टेशन में किसी को लीवर डिजीज़ है, एक्टिव इन्फेक्शन हुआ, पेप्टिक अल्सर हुआ तो नहीं देना चाहिए। किस में दे सकते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ और कैंसर में ये दवाई दे सकते हैं, क्योंकि अपन ने कहा ना ये सेल डिवीज़न को रोक रही है, एपोप्टोसिस को कॉज करवा रही है। तो RA में सूर्यासिस के अंदर, सूर्यासिस स्किन का डिसऑर्डर है, पैम्फिगस के अंदर, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में, और मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। मायस्थीनिया ग्रेविस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है भाई मसल्स की, उसमें दे सकते हो। कैंसर में कोरियोकार्सिनोमा हुआ हो, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, NHL, ब्रेस्ट का कैंसर, ब्लैडर का, हेड नेक का कैंसर, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, इन सब में ये दवाइयाँ दी जा सकती है। नेक्स्ट है एजोथायोप्रिम, ये प्यूरीन एंटी मेटाबोलाइट है, एक्ट्स आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू 6 mg, मैंने 6 mg के बारे में बताया ना, 6-mercaptopurine जो है वो कैंसर की दवाई है, उसमें कन्वर्ट होने के बाद ये अपना एक्शन दिखाती है। किस एंजाइम द्वारा कन्वर्ट होते हैं? TPMT, थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफेरेज के द्वारा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करती है और टी सेल्स के डिफ्रेंसीशन और फंक्शन में इसका सिलेक्टिव इफेक्ट होता है। नेचुरल किलर सेल्स हैं ये, उन नेचुरल किलर सेल्स पर भी इनका इसी तरह का एक्शन होता है। ये इन्फ्लामेशन को भी सप्रेस करती है। ड्रॉबैक, स्मॉलर परसेंटेज ही इसका जो है वो सक्सेस रेट ऑफ ट्रीटमेंट में ले रहा होता है, इसलिए इसको अपन काफ़ी कम यूज़ कर रहे होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में काम में ले सकते हैं अपन इसको कॉम्बिनेशन में। ADR बोन मैरो को सप्रेशन कर देगा, GI को डिस्टर्ब कर देता है। इन्फेक्शन, पढ़ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को आप? GI डिस्टर्बेंस, इन्फेक्शन का रिस्क, लिम्फोमास, ये लिम्फोमास लिखा हुआ है, लिम्फोमास कॉज हो जाता है, फीवर, रैश और हेपेटोटॉक्सिटी कॉज हो जाती है। नेक्स्ट ड्रग है सल्फासेलेजिन, सल्फापिरिडिन और सल्फापिरिडिन और 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड के साथ में इसका कंपाउंड जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ये इसका रोल होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये ड्रग दी जा सकती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, कोलन के अंदर ये स्प्लिट ऑफ होती है सल्फापिरिडिन बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा। इसका एक्टिव कंपाउंड जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ होता है, सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब होता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को जनरेट करता है। यूज सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है ये RA के अंदर। एडवर्स में ये क्या कर देगा भाई? न्यूट्रोफिल का नंबर कम कर देगा, प्लेटलेट का नंबर कम कर देता है और लीवर का इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ड्रग्स।
इन ड्रग्स के ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है। 50% पेशेंट्स आरए के रीएमिशन देखा जाता है उनके अंदर। ये लो टॉक्सिटी है पर इसकी एफिकेसी भी लो है, एफिशिएंट भी ज़्यादा नहीं है इस आरए के अंदर। बोनी इरोजन इससे रुकता नहीं है, मतलब जो इरोजन हो रहा है वो तो होता रहेगा अगर ये ड्रग आप दे रहे हो तो। 3 से 6 महीने तक लेनी होती है तब इसका एक्शन दिखाई दे रहा होता है। ये टी लिम्फोसाइट्स के रिस्पॉन्स को कम कर देता है माइटोजन के ऊपर, ल्यूकोसाइट कीमोटैक्सिस को भी कम करता है, लाइसोसोमल एंजाइम को स्टेबलाइज कर देता है, फ्री रेडिकल का को ट्रैप करता है। ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं देख लीजिए, फ्री रेडिकल को ट्रैप करता है, मतलब फ्री रेडिकल स्केवेंजिंग का काम करता है, साफ सफाई। फ्री रेडिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं, फ्री रेडिकल्स कचरा होते हैं हमारे शरीर के, ये अपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं, जो कि हमारे सेल टिश्यूज़ वगैरह में डैमेजिंग कॉज कर रहे होते हैं। ये टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट्स होते हैं, अगर आप लंबे समय तक इनका यूज़ कर रहे हो तो टॉक्सिटी कॉज कर देगी, रेटिनल और कॉर्नियल ओपेसिटी कॉज हो जाती है। भाई ये ध्यान रखना, रेटिना और कॉर्निया आपका ओपेक हो जाएगा। कईयों के आपके आपने आंखों को देखा है ना, ये काला वाला पार्ट ऐसे वाइट वाइट सा दिखाई देने लग जाता है, उनकी ओपेसिटी ख़त्म हो जाती है। इसका एडवर्स क्या है इफ़ेक्ट, रैशेज कर देगा, हेयर और हेयर ग्रे हो जाते हैं और झड़ी जाते हैं। मायोपैथी न्यूरोपैथी जैसी आईबीएस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। यूज़ माइल्ड नो रिस्पॉन्सिव डिसीज़ व्हेन वन ऑफ फ्यू जॉइंट्स इन्वॉल्व। भाई अगर एक दो जॉइंट्स में तब तो ये कोई खास काम की है नहीं, तब तो अपन केवल इसको मिथोट्रिक्सेट के साथ में ही देते हैं, कंबाइंड विद एमटीएक्स। नेक्स्ट है लेफ्यूनोमाइड ड्रग। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी को चेंज कर देते हैं, उसको या तो एक्टिवेट कर देते हैं या इनहिबिट करते हैं, वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं। कंपेरेबल एफिकेसी है इसका एमटीएक्स के साथ में। ऑनसेट 4 हफ्ते में अपना असर दिखाएगी, डिजीज़ के प्रोग्रेशन को ही रोकती है, मतलब डिजीज़ हो गई तो उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। ये कन्वर्ट होती है एक्टिव मेटाबोलाइट में, हाफ लाइफ 2 हफ्ते की है। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज और पायरिमिडिन सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाती है बी सेल्स इसकी, क्योंकि डिप्रेस्ड हो जाती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय बी सेल्स आर डिप्रेस्ड, तो बी सेल्स को डिप्रेस करेगी तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो इम्यूनिटी, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज ही है ये, तो उसे ये ठीक कर देंगी। एक्टिव मेटाबोलाइट जो है उसका लॉन्ग हाफ लाइफ होता है, 2 हफ्ते तक हाफ लाइफ है इसका। लोडिंग डोज 100 mg देनी है 3 दिन तक, फिर 20 mg जो है ओडी आप दे सकते हो। एडीआर डायरिया हो जाता है इससे, नोजिया, रैशेस, लॉस ऑफ हेयर, प्लेटलेट कम होना, ल्यूकोपेनिक एसिड इन्फेक्शन और हिपैटिक डैमेज इसके अंदर देखने को मिल रहा होता है। गोल्ड थेरेपी देखिए, आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, एमटीएक्स से भी ज़्यादा। ये आरए को रोक देती है, आरए प्रोसेस को रोक देती है और एडिशनल जॉइंट्स के अंदर ये इन्वॉल्व रहती है। इसके अलावा कीमोटैक्सिस वगैरह को ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि भाई कीमोटैक्सिस को रोक देती है, फैगोसाइटोसिस को रोक देती है, मैक्रोफाज लाइसोसोमल एक्टिविटी को और सीएमआई को इनहिबिट करने का काम कर रही होती है। प्लाज्मा और टिश्यू प्रोटीन से बाउंड होती है और बॉडी में कई सालों तक ये बनी रह रही होती है। इसके नुकसान, बीपी कम हो जाता है इसकी वजह से, स्किन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, स्टोमेटाइटिस, होठों के आसपास इन्फ्लामेशन सा हो जाता है, नोड्यूल से बन जाते हैं, लीवर डैमेज होने लग जाता है, बोन मैरो डिप्रेस हो जाता है, डायरिया ये कॉज कर देती है। डी पेनिसिलामिन गोल्ड लाइक एक्शन दिखा रही होती है पर इसकी टॉक्सिटी बहुत ज़्यादा कॉज होती है इसलिए यूज़ नहीं करते। पर ऑरनाफिन जो है वो 29% इसमें गोल्ड है, 25% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। बस इसके बाद अपन तो ये गोल्ड कंपाउंड से ज़्यादा इसको वैसे ड्रिल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, खाली आप इनके नाम नाम भी लिख देते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। बीआरएम्स के जनरल पॉइंट्स देख लीजिए भाई, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा पे इसका की रोल होता है, क्योंकि ये फैक्टर जो होता है एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे की रोल कर रहे होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो हैं TNFR1 को एक्टिवेट कर देते हैं, R1 और R2 को टी सेल्स के सरफेस पर और मैक्रोफाज के सरफेस पर।
एग्जोजीनसली एडमिनिस्टर कर किया जाता है, एडमिनिस्टर्ड इनहिबिटर्स और एंटीबॉडीज कैन न्यूट्रलाइज इट एंड इंटरप्ट रिएक्शन, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है इन चीज़ों को और उसके रिएक्शंस को इंटरप्ट कर रही होती है। मैक्रोफाज और टी सेल्स को सप्रेस करती है, इन्फ्लामेटरी चेंजेस ले आती है, बोन इरोजन में रोल है क्योंकि उनका स्लो डाउन कर देती है, इन्फ्लामेटरी चेंजेस को बोन इरोजन को स्लो डाउन कर देती हैं। एंड ऑल्सो न्यू इरोजन स्लो डाउन, और कोई नया इरोजन होने वाला हो तो वो भी स्लो डाउन हो जाता है। मोनोथेरेपी के रूप में ये काफ़ी इफेक्टिव हैं, पर मिथोट्रेक्सेट के साथ में दी जाती है। लो मिथोट्रेक्सेट का रिस्पॉन्सिव हो रही होती है, हाईली रैपिडली प्रोग्रेसिंग केसेस में अपन दे सकते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है, जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो बहुत सारे इन्फेक्शन को मौका मिल जाता है अटैक करने का। इसके अलावा इथनारासेप्ट नेक्स्ट ड्रग है, रिकॉम्बिनेंट फ्यूजन प्रोटीन है, TNF रिसेप्टर के साथ में दे सकते हैं। FC पोर्शन ह्यूमन IgG का है, ह्यूमन IgG का FC पोर्शन, अगर आपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो उसमें ये पोर्शन होते हैं FC पोर्शन वगैरह। ये TNF अल्फा मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होती है, लैम्फोटॉक्सिन को इनहिबिट करते हैं। 50 mg आप वीकली सबक्यूटेनियसली इसको दे सकते हो। नेक्स्ट है इन्फ्लिक्सिमैब मेडिसन, ये काइमेरिक IgG1 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। काइमेरिक एक्चुअली अपन इसको बनाते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ में मिलाकर बना रहे तो उसके जैसी दिखती है, इसलिए इसको काइमेरिक कहते हैं। काइमेरिक में 25% माउस और 75% ह्यूमन की ये चीज़ें लेकर के अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेकर के बनाते हैं, वो काइमेरिया कहलाता है। ये अपन जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसकी ये बाइंड करती है, हाई एफिनिटी होती है सॉल्युबल मेम्ब्रेन वगैरह के साथ में। 3-5 mg/kg के हिसाब से अपन इसको दे सकते हैं 8 वीक तक, इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न देना है। एडवर्स रिएक्शन में फीवर, चिल्स, अर्टिकेरिया, ब्रोंकोस्पाज्म, एनाफाइलैक्सिस वगैरह ये कॉज कर देती है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिथोट्रेक्सेट के साथ में मिला करके दोगे तो इम्प्रूवमेंट इसका किया जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग है एडालिम्युमैब। देखो इनको अगर अपन थोड़ा सा नाम ही पढ़ें तो बहुत है, इतना डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया टॉपिक, इतना बड़ा आपके नहीं पूछा जाएगा। फुली ह्यूमन IgG1 एंटी TNF मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, TNF अल्फा के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, मैक्रोफाज और टी सेल के फंक्शन को कम कर देती है। 40 mg 2 हफ्ते तक अपन सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं। फ़ायदे क्या है, ह्यूमन एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को ये के बनने को ये कम करती हैं और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को ये बढ़ा देती है मिथोट्रेक्सेट के। अब इसकी कॉमन इसकी क्या है, अगर अपन देखें कि टॉक्सिटीज़ क्या हैं बीआरएम्स की, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, मैक्रोफाज डिपेंडेंट इन्फेक्शन क्योंकि ये इम्यूनिटी को कम कर रही होती है। इसके अलावा ये देखिए ये ल्यूकोसाइट्स के नंबर को कम कर देती है। भाई देखो जब भी कहीं भी WBC का नंबर कम हो रहा होता है तो उसमें हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन TB जैसे इन्फेक्शंस होने का खतरा इंसान के अंदर बढ़ जाता है, तो ये इनकी इन मेडिसिंस की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, ल्यूकोपिनियाज वैस्कुलाइटिस कॉज कर देगा, डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें कह रहे होते हैं, माइलिनेटिंग शीट जो होती है ना आपके न्यूरॉन्स के ऊपर वो हटनी स्टार्ट हो जाती है, इसको अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। हिपेटाइटिस हो जाता है, बाकी आप देख लीजिए बस, ठीक है। लिम्फोमास हालांकि बहुत रेयर है, जिस जगह पर आप ये दे रहे हैं उस साइट पर कुछ रिएक्शंस वगैरह ये कॉज कर देती हैं। एनाकाइनेरिया रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन IL-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, क्लिनिकली लेस इफेक्टिव है TNF इनहिबिटर के कंपैरिजन में, रिफ्रैक्टिव RA के अंदर अपन इसको काम में ले रहे होते हैं। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और RA के बारे में बताया हुआ है, खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलग से पढ़ाऊंगी। ये पोटेंट इम्यूनोसप्रेसेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, फर्स्ट लाइन की ड्रग है, किसी में भी सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन है किसी में भी दे सकते हैं अपन इसको। DMARD NSAID और स्टीरॉयड्स के साथ में मिलाकर के देते हैं तो पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन दिखाता है। प्रॉम्प्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ ये दे रहे होते हैं, लो डोज में दी जा रही होती है,
आरए प्रोसेस को कहीं अरेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, ये स्लो डाउन कर देते हैं एक्चुअली जॉइंट के डिस्ट्रक्शन को। ये इस पॉइंट में दिखाया गया, जॉइंट के डिस्ट्रक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, बोनी इरोजन को भी स्लो डाउन कर देते हैं, यानी बोनी इरोजन भी नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, बहुत धीमे धीमे होगा। हाई डोज के स्टीरॉयड्स जो हैं वो दे सकते हैं, सीवियर सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन हो रहा हो, जैसे ऑर्गन थ्रेटनिंग डिजीज़ हुई हो, वैस्कुलाइटिस हुई हो, इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड्स भी अपन दे सकते हैं। बस इसके साथ ख़त्म आपका ये टॉपिक। कुछ चीज़ें आपके याद रखने की हैं जो अपन ने पढ़ ली थी आरए मेथोट्रेक्सेट बीआरएम्स के साथ में, आप ये देख लीजिएगा, जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वही हैं मेथोट्रेक्सेट के साथ में। भाई बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईली एफिकेशियस एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग है, आरए में भी लो डोज में दी जाती है आरए, हालांकि वैसे तो एग्जैक्ट इसका पता ही नहीं है, पर ये मेथोट्रेक्सेट और बीआरएम्स जो है यूजुअली मेथोट्रेक्सेट के साथ में मिलाकर के दी जाती है, तो ये अच्छी दवाई मान जाती है। बस इसके साथ अपना ये आरए का टॉपिक ख़त्म। मैंने स्टार्टिंग में भी एक पॉइंट बोला था, वापस से मैं बोल देती हूँ कि हमारा ये यूनिट ख़त्म हो गया है। इस यूनिट के अंदर एक टॉपिक और आता है ब्रोंकियल एस्थमा की ड्रग्स। ब्रोंकियल एस्थमा की ड्रग्स के अंदर अपन ने कॉलर्जिक एंटी कॉलर्जिक के अंदर ये ड्रग्स पढ़ी थी भाई, तो वहाँ जो पढ़ी थी ना उन्हीं को आप ध्यान से देखिए। वहाँ मैंने बताया था कि आपको क्या कैसे देनी, एट्रोपिन वगैरह के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो वो बार बार पढ़ा करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वो टॉपिक हमारा हो चुका है। तो इसके साथ ये यूनिट ख़त्म हो गई है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, और यूनिट ख़त्म होते ही मैं आप लोगों को आपका होमवर्क यानी आपका जो वर्क आपको करना है अब तक आपने क्या पढ़ा था वो मैं आपको दूंगी, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। इसके साथ ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं।